नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका राहुल। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यातिकनामा में। दोस्तों, आप मेरे पीछे वर्ल्ड फेमस मैसूर पैलेस, जिसको अम्बा पैलेस भी बोलते हैं, देख रहे हैं। तो दोस्तों, अपनी कर्नाटक की इस यात्रा में, कर्नाटक की अपनी ट्रिप में, मैं आज मैसूर आया हूँ और मैसूर पैलेस आपको दिखाऊँगा। दोस्तों, अभी मानसून का टाइम है और हम लोग मानसून में कर्नाटक का विज़िट करने आए हैं। कर्नाटका में हम मैसूर करके देखेंगे। तो दोस्तों, आप मानसून में आ सकते हैं कर्नाटका। दोस्तों, मैसूर पैलेस बहुत ही सुंदर पैलेस है और यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और सैटरडे संडे को लाइटिंग होती है। तो नाइट में 7 to 8 आप लाइटिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। अगर आप वीकेंड्स पर आते हैं, सैटरडे संडे या फिर राष्ट्रीय हॉलीडे पर आते हैं, तो यहाँ लाइटिंग होती है पूरे पैलेस में। और इस पैलेस का एंट्री टिकट 100 रुपीज़ पर पर्सन है। और ये मैसूर पैलेस मैसूर बस स्टैंड से लगभग 600 से 700 मीटर की डिस्टेंस पर है। अगर आप बस आते हैं तो आप मैसूर बस स्टैंड पर अपना होटल ले सकते हैं और वहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस पर ये मैसूर पैलेस है। तो दोस्तों, अपने इस मैसूर ट्रिप में मैं यहाँ के मैसूर की जो मेन टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो आपको दिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए मैसूर के बारे में जानने के लिए। मैसूर में कहाँ रुका जाए, कैसे आया जाए और मैसूर में क्या क्या टूरिस्ट प्लेसेस हैं, कहाँ खाना खाया जाए, ये सब जानकारी देखने के लिए आप यातिकनामा को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, हमने मानसून में कर्नाटक विजिट करने का प्लान बनाया और हम अगस्त 2023 में ग्वालियर से बाय फ्लाइट बेंगलुरु पहुंचे। आप ये बेंगलोर का कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट देख रहे हैं। यहाँ से हम किया 10 बस द्वारा सीधे सैटेलाइट बस स्टैंड पहुँचे। मेरी बच्ची बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि पहली बार हमने उसे फ्लाइट में ट्रेवल कराया। दोस्तों, इस किया 10 बस से हम बेंगलोर के सैटेलाइट बस स्टैंड पहुँचे और सैटेलाइट बस स्टैंड के ठीक सामने NR रेसिडेंसी में हमने नाइट स्टे किया और बस स्टैंड के पास ही फेमस अंजना स्वामी मंदिर के दर्शन किए। और लगभग 12 बजे हम सैटेलाइट बस स्टैंड से मैसूर जाने वाली बस में बैठ गए और हम लगभग 3:30 बजे मैसूर पहुँचे। मैसूर में हमने स्टे किया और नेक्स्ट डे हम अम्बा पैलेस दर्शन के लिए निकले। मैसूर पैलेस में हमें टिकट लेना होता है एडल्ट का 100 रुपीज और चिल्ड्रन का 50 रुपीज। दोस्तों, सामने आप कर्नाटक की एक मशहूर धरोहर देख रहे हैं, मैसूर पैलेस। राजमहल प्रवेश, मैसूर पैलेस का प्रवेश, रॉयल मैसूर पैलेस में आपका स्वागत है और हमारे चैनल यातिकनामा में भी आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल, टूरिस्ट प्लेसेस को एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए। दोस्तों, पैलेस में एंट्री लेने के लिए आपको अपने शूज, अपने स्लीपर्स जमा करने होंगे। यहाँ मैसूर पैलेस में आप गाइड कर सकते हैं। 0 से 5 मेंबर के लिए 300 रुपये, 5 से 10 मेंबर का 400 रुपये और 15 मेंबर का स्टूडेंट है तो 300 रुपये चार्ज है टूरिस्ट का। ड्यूरेशन 45 से 1 घंटा इस पैलेस में रहेगा, ये सिक्योरिटी चेक। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मैसूर पैलेस, मैसूर राजमहल के अंदर की भव्यता दिखाता हूँ, जिसको देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने मैसूर महल, मैसूर पैलेस नहीं देखा है तो आप फौरन यहाँ का टूर बना सकते हैं। इसे देखने के लिए देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं। मैसूर महल का निर्माण
14वीं सदी में हुआ था। वाडियार राजाओं ने इस महल को बनवाया था। इसका डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन ने बनाया था। यह महल वाडियार राजाओं का निवास स्थान था। यह पैलेस द्रविड़, पूर्वी और रोमन कला का अद्भुत नमूना है। यह महल सलेटी पत्थरों से बना है और गुंबद गुलाबी रंग के पत्थरों से बने हुए हैं। दोस्तों, त्योहारों के मौके पर, विशेषकर दशहरा त्यौहार पर, इसे कई लाइटों से सजाया जाता है। उस वक्त इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। भारत का पहला सबसे प्रसिद्ध आकर्षण ताजमहल तो दूसरा कर्नाटक राज्य का मैसूर पैलेस को माना जाता है। मैसूर पैलेस देश की सबसे भव्य स्थापत्य इमारतों में से एक है। दोस्तों, मैसूर पैलेस को अंबा पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, वर्तमान में महल का जो ढांचा है उसकी नींव महाराजा कृष्ण राजेंद्र चतुर्थ वाडियार ने रखी थी। महाराजा पैलेस राजमहल मैसूर के कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ का है। यह पैलेस बाद में बनवाया गया। कहते हैं इससे पहले का राजमहल चंदन की लकड़ियों से बना था। बाद में एक दुर्घटना में इस राजमहल की बहुत क्षति हुई, जिसके बाद यह दूसरा महल बनवाया गया। महल की दीवारों पर दशहरा के अवसर पर निकलने वाली झांकियों का सजीव चित्रण किया गया है। दूसरे महलों की तरह यहाँ भी राजाओं के लिए दीवाने खास और आम लोगों के लिए दीवाने आम है। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट द्वारा मैसूर पहुंचना चाहते हैं तो आपको बेंगलोर आना होगा। बेंगलोर से मैसूर लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप बेंगलोर से बस के द्वारा अथवा ट्रेन के द्वारा मैसूर आसानी से पहुंच सकते हैं। मैसूर बस स्टैंड से मैसूर पैलेस लगभग 800 से 900 मीटर की डिस्टेंस पर ही स्थित है। तो अगर आप मैसूर बस द्वारा आ रहे हैं तो आप बस स्टैंड पर ही अपना स्टे कर सकते हैं। बस स्टैंड के पास आपको कई सारे रीजनेबल प्राइस में होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ मैसूर पैलेस में बहुत बड़ा गार्डन है, तो आप गार्डन में शाम को बैठ सकते हैं, बच्चे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर पैलेस है, आप यहाँ आएंगे मज़ा आ जाएगा आपको।